हेलो फ्रेंड्स, आपका स्टेडिया क्रिकेटी में स्वागत है। आज आपके लिए मैं बहुत ही बड़ी अपडेट लेकर के आ गया हूँ। जो भी विद्यार्थी इसमें फॉर्म भरना चाहता है, राजस्थान महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंदर भर्ती निकली हुई है, आज से आवेदन शुरू हो गए हैं। जो भी विद्यार्थी आवेदन करना चाहता है, पूरी डिटेल देख के वीडियो को शानदार है और अंत तक जरूर देखना ये, क्योंकि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले। जितने विद्यार्थी 10वीं पास कर रखा है उनके लिए ये बहुत ही अच्छी न्यूज है। अंतिम तिथि है 16 सितंबर, जो कि देख सकते हो नोटिफिकेशन अभी 2 सितंबर को जारी किया गया है, जो कि आप ऑफिशियल वेबसाइट में भी जाकर के देख सकते हो WCDQ में, ठीक है। तो आप वहां जाकर के भी देख सकते हो, जिसको फॉर्म भरना है पूरी डिटेल के साथ देख के वीडियो को। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ऐसी अपडेट देने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने चैनल का सदस्य बन जाइए। तो ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो कि आप यहाँ देख रहे होंगे, आज ही जारी किया गया है। यहाँ पर वैसे डेट 30/8/2019 लिखी हुई है, पर दोस्तों ये 30/8/2019 को जारी नहीं किया गया, ये 2/9/2019 को जारी किया गया, यानी कि आज ही जारी किया गया है ऑफिशियल वेबसाइट में नोटिफिकेशन। तो यहाँ पर देख सकते हो विज्ञप्ति किसकी निकली हुई है, 7-3 विज्ञप्ति संख्या 4 निकली हुई है। यहाँ पर देख सकते हो ये बड़ी अपडेट है, कहाँ से है, B-147 सादुलगंज बीकानेर की बड़ी खबर है। यहाँ पर राजस्थान की जो देख सकते हो भर्ती है, कार्यालय उपनिदेशक महिला अधिकारिता बीकानेर, यहाँ खबर है बीकानेर जिले के निम्नलिखित पंचायत समितियों के सम्मुख अंकित ग्राम पंचायतों के साथ इनके स्वैच्छिक मानदेय के रिक्त पदों हेतु उपनिदेशक महिला अधिकारिता कार्यालय में आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। तो यहाँ पर ये आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं कहाँ की पंचायत में, तो आपको ये जरूर याद रखना है बीकानेर की पंचायत में। तो बीकानेर के जो जिला है वहाँ पर ये विज्ञप्ति निकली है, क्योंकि ये विज्ञप्ति जिले वाइज निकलती है, तो ये विज्ञप्ति निकली है बीकानेर से। तो चलिए अगली, यहाँ क्या है, कौन कौन सी पंचायत में है, तो देख सकते हैं यहाँ पंचायत समिति का नाम है, यहाँ पर पंचायत का नाम है। तो पहले ये बीकानेर ग्रामीण, यानी कि पंचायत समिति कौन सी है, बीकानेर ग्रामीण, इसके अंदर जो पंचायत है गुसाई सर, जलाल सर, राजेरा, हेमेरा, पेमा सर, उसना सर, ये अलग अलग जो पंचायत है वहाँ पर वैकेंसी निकली हुई है। कोलायत में निकली हुई है पंचायत समिति में, पांचू में, श्री डूंगरगढ़ में, नौका में, खाजूवाला में, लूनकसर में। तो यहाँ पर ये 7 पंचायत समितियाँ हैं, वहाँ पर 7 पंचायत समितियों में वैकेंसी निकली हुई है, जो कि आप देख सकते हो अलग अलग ग्राम पंचायत भी आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर ये वैकेंसी निकली हुई है। क्वालिफिकेशन वगैरह की बात करते हैं यहाँ पर, तो वो है आगे देखिए, ग्रामीण क्षेत्र में महिला का जिस ग्राम पंचायत के लिए चयन हो रहा है उस ग्राम पंचायत की स्थानीय निवासी होनी चाहिए, यानी कि वो जिस पंचायत में उसका सिलेक्शन होगा, कोई भी महिला होगी उसका उसी पंचायत का होना अनिवार्य है यहाँ पर। चलिए अगली क्या है, 7-10वीं उत्तीर्ण एवं विवाहित होना अनिवार्य है, यानी कि 10वीं पास हो और वो महिला क्या होनी चाहिए, विवाहित, यानी कि शादीशुदा होनी चाहिए, ठीक है, तो वो इसमें आवेदन कर सकती है। आगे विज्ञप्ति जारी होने की तिथि तक आवेदन की आयु सीमा सामान्य अन्य पिछड़ा वर्ग की 21 से क्या होनी चाहिए, यानी कि आज से आवेदन शुरू है तो 21 से 35 वर्ष की होनी चाहिए, अनुसूचित जाति जनजाति की 21 से 40 वर्ष तक की, विधवा तलाकशुदा परित्यक्ता के लिए 21 से 45 वर्ष होनी चाहिए। आगे क्या है, आगे देखिए, आवेदन अपने आवेदन के साथ शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, यानी कि आपको योग्यता का प्रमाण पत्र लगाना है, मूल निवासी प्रमाण पत्र और जाति लगाना है आपको प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र, विवाहित प्रमाण पत्र, विधवा तलाकशुदा जो भी आप हो वो सभी प्रमाण पत्र आपको लगाना है। यहाँ पर कार्य अनुभव और BPL कार्ड है तो वो भी, एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों की स्वप्रमाणित छायापति, यानी कि आपको खुद को साइन करना है उस जेरोक्स में और आपको लगाना होगा। आगे क्या है, आवेदन फॉर्म उप निर्देशक कार्यालय या विभाग की वेबसाइट, जो आप ये विभाग से वेबसाइट देख रहे होंगे यहाँ पर आपको ये फॉर्म मिल जाएगा, या फिर आपको क्या करना होगा, आप कार्यालय में संपर्क कीजिए, वहाँ से आप इस फॉर्म को ले सकते हो, प्राप्त किए जा सकते हैं। योग्य अभ्यर्थी अपना संपूर्ण पूर्ण भरा हुआ फॉर्म, 2 प्रतियाँ आप उसको क्या करनी है, 2 प्रतियाँ लगानी, इसमें से एक को आपको कार्यालय में देनी है व्यक्तिगत, दिनांक 16/9/2000 इसकी अंतिम तिथि है 5 बजे तक, तो आप जमा करा सकते हो वहाँ पर जाकर के। इस संबंध में विस्तृत जानकारी कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है। यदि आप और भी जानकारी चाहते हो तो आपके पास कोई भी कार्यालय है तो कार्यालय में जाइए, आपको फॉर्म भरना है और वहाँ से आप जानकारी इकट्ठा कर सकते हो। मेगा रतन यहाँ पर देख सकते हैं, उन्होंने साइन कर रखा है, उप निदेशक महिला अधिकारिता बीकानेर से। आगे यहाँ पर देख सकते हो अलग अलग जिले वाइज वैकेंसी निकलती है, 30/8/2019 को वहाँ से जारी किया गया था, पर आज की ऑफिशियल वेबसाइट में आज जारी किया गया है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो। ये बड़ी खबर थी सभी विद्यार्थियों के लिए,
यहाँ पर जो भी फॉर्म भरने के लायक है यानी कि शादीशुदा है और दसवीं पास जिन्होंने कर रखी है वो यहाँ पर जल्दी से फॉर्म भर सकता है। और फॉर्म जरिए भरे यदि आपके कोई भी सिस्टर है या आपकी माता है या कोई भी है इस कैटेगरी के अंदर आती है तो आप इसे ज़रूर फॉर्म भरवाएं। और ये वीडियो आपके लिए यदि हेल्पफुल होती है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो और शेयर ज़रूर करना ना भूलें। और यदि आपके और भी जिले बचे हैं उनमें जो वैकेंसी निकलेगी वो भी आपको हम सबसे पहले करवाएंगे, तो आप हमारे चैनल में ऐसी कोई भी अपडेट आती है तो सबसे पहले दिखाती जाती है। धन्यवाद, मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, जब तक टेक केयर, देखते रहिए अपने चैनल को।